जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का जो लेवल है मैन 39,500 काफ़ी बड़ा सपोर्ट है और 39,500 के लिए अभी बैंक निफ्टी को ब्रेक कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और जो अपना रेजिस्टेंस है 40,000 और 39,900 काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है और इसको भी ब्रेक कर पाना बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल है। और आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी इसी रेंज में ही पूरे दिन मूव करता रहा। आई थिंक बैंक निफ्टी 39,000 ऊपर गया और नीचे 39,500 के आसपास गया। आई थिंक नीचे की साइड जो गया 39,400 के आसपास इसने अपना टच किया और जितने भी SL थे उनको हिट कर गया, राइट। तो 39,500 और 40,000 अभी इसका एक बड़ा सा रेंज बन चुका है बैंक निफ्टी का और इस रेंज में इसके मूवमेंट करने के चांस ज़्यादा से हो रहे हैं। आज पूरे दिन इस बैंक निफ्टी इसी रेंज में मूवमेंट किया और कल जिस हिसाब से मैंने बताया था कि 40,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इसके आसपास एक सेलिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी सुबह खुला 40,000 के आसपास खुला और खुलते ही इसमें एक बड़ा सेलिंग आई, एक बड़ी लाइन आई और सेलिंग की, और जो सेलिंग की जो आई वो 39,400 तक मार्केट को ले गई बैंक निफ्टी को। और उसके बाद जैसे ही मार्केट 39,400 के आसपास आया एक उसमें बाइंग आ गई। आई थिंक बैंक निफ्टी के पास जब भी 40,000 के आसपास आ रहा है तो बैंक निफ्टी में एक रिट्रेस हो रहा है नीचे की साइड। आई थिंक वो एक इसमें रिजेक्शन आ रहा है और नीचे की साइड 39,500 के आसपास एक छोटा सा रिजेक्शन इसमें आ रहा है और बैंक निफ्टी अभी इस लेवल में मूव कर सकता है। अब कल देखते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी क्या लेवल रहेगा, कल के लिए क्या मूव कर सकता है। अगर जैसे एक घंटे का ग्राफ का कर देखें तो बैंक निफ्टी का लिए अभी दो दिन से इसी रेंज में मूव कर रहा है, दो दिन के लिए इसी रेंज में मूव कर रहा है। अगर कल बैंक निफ्टी अपने 39,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे की साइड 39,100 के इसमें लेवल देखे जाएंगे। तो 39,100 के जो लेवल देखे जाएंगे उस हिसाब से अगर बैंक निफ्टी 40,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो उसमें 40,500 के लेवल देखे जाएंगे। अब एक दिन के चार्ट के हिसाब से इसका एक हडल देखते हैं कि एक दिन के चार्ट से हिसाब से इस पर लॉन्ग हडल कहां पर बनना है। एक दिन के चार्ट के हिसाब से हडल देखते हैं तो बैंक निफ्टी एक लोअर लेवल की तरफ वर्क कर रहा है। आई थिंक इसके नीचे जाने के चांस अभी हो रहे हैं। आई थिंक इधर से अब ये एक छोटा सा रिट्रेस ले सकता है या नीचे की साइड 38,500 के लेवल द्वारा दिखा सकता है। आई थिंक बैंक निफ्टी और निफ्टी एक अपर लेवल पर वर्क कर रहे हैं। आई थिंक इसके बाद इसमें एक थोड़ी सी सेलिंग आने बाकी है जो काफ़ी समय से आई नहीं है और इसके हिसाब से इसमें एक 38,500 की तरफ सेलिंग आने के चांस है। अगर ये 39,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो एक नीचे की तरफ अच्छा लेवल दिखा सकता है और ऊपर की तरफ इसका जो रेजिस्टेंस है उसको ये ब्रेक कर पाना अभी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब बैंक निफ्टी के स्टॉक की बात करते हैं तो HDFC की बैंक की बात करें तो HDFC बैंक के मैंने जिस हिसाब से आपको बताया था कि ये HDFC बैंक एक अपना चैनल में वर्क कर रहा है, आई थिंक इसमें जो लेवल है ऊपर के वो उसमें दिखा सकता है। मगर आज HDFC बैंक ने क्या किया, एक जो मैंने कल का लेवल जो बताया था 1660 और 1670 इसके ऊपर एक बाइंग आ सकती है और फिर से इस लेवल के ऊपर इसमें बाइंग आई। आई थिंक HDFC बैंक ऊपर के लेवल की तरफ टच कर सकता है, 1750 के ऊपर जा सकता है। इसके लिए सपोर्ट जो है अपना 1650 इसके लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। अब ICICI बैंक की बात करते हैं तो ICICI बैंक जिस हिसाब से मैंने बताया था कि एक बुलिश मूवमेंट में दिख रहा है और ICICI बैंक ने उसी हिसाब से आज एक 750 का जो लेवल है एक अच्छा लेवल है उसको टच किया। आई थिंक उस लेवल को टच करने के बाद इसमें छोटी सी सेलिंग आई। तो इसके बाद जो ICICI बैंक का जो मूवमेंट है अभी बाइंग के लिए ही है। आई थिंक ये ऊपर के जो लेवल है 800 के लेवल हमें जल्दी इसमें दिखा सकता है। इसमें जो सपोर्ट है ICICI बैंक का 730 का और 735 का बहुत बड़ा सपोर्ट है, इस सपोर्ट के साथ इसमें हम बाइंग कर सकते हैं। अब कोटक बैंक का लेवल देखेंगे तो कोटक बैंक जिस हिसाब से मैंने बताया था कि छोटा सा रिट्रेस ले सकता है मगर कोटक बैंक ने यहाँ से ऊपर के लिए ही अपना लेवल दिखाया। आई थिंक कोटक बैंक अच्छा बुलिश में है और ऊपर की तरफ ये अपना 2255 या 2100 के लेवल जल्दी इसमें दिखा सकता है। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक एक अपर लेवल जो अपना रिट्रेसमेंट वाला लेवल था 820 वाला उससे एक आज अच्छी सेलिंग आई। मैंने जैसे जैसे बताया था कि एक अच्छा इसमें रिजेक्शन वाला लेवल है जहां पर एक्सिस बैंक वर्क कर रहा है और यहां से रिजेक्शन के बाद इसमें अच्छी सेलिंग आ सकती है और एक्सिस बैंक के लिए सेल जा सकते हैं। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि एक्सिस बैंक अभी सेलिंग के लिए इसमें एक प्रेशर आ चुका है और एक्सिस बैंक में वही होगा और आज उसने जो लेवल है 800 का बहुत अच्छा सपोर्टिंग लेवल है, इस सपोर्टिंग लेवल के आसपास ही इसमें एक
रुकाव आया और एक्सिस बैंक ऊपर के लेवल से काफ़ी अच्छी सेलिंग आई। अब SBI की बात करते हैं, तो SBI की बात करें तो SBI में एक ऊपर लेवल की तरफ एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है, मगर एक थोड़ा सा रिएक्शन इसकी तरफ आ रहा है। इसमें जो सपोर्ट लेवल है 470 और 480 के एक सपोर्टिंग लेवल है, इस लेवल की तरफ द्वारा से बाइंग इसमें आ सकती है। आई थिंक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद इसमें एक बाइंग आएगी, उसके बाद हम इसमें फ्रेश बाइंग करेंगे। अब इंडसइंड बैंक की बात करते हैं, इंडसइंड बैंक किस हिसाब से बिहेव कर रहा है। इंडसइंड बैंक ने जो अपना एक ट्रेंड लाइन था उसको काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है, और जो 1235 वाला लेवल है उसको काफ़ी सारा अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। उस लेवल को रेस्पेक्ट करके आज ये नीचे वाला जो अपना सपोर्ट था उसकी तरफ आया, 1125 आई थिंक इसका सपोर्ट था, उसकी तरफ आया और उसको अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट किया। और जो लेवल और जो सपोर्टिंग मैं बता रहा हूँ सारे ग्राफ में पिछली प्रीवियस वीडियो में, उसको मार्केट बहुत अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। आई थिंक इंडस बैंक कल इस लेवल को टच करके एक ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर कल इसको ब्रेकआउट करता है तो हमें इंडस बैंक में एक अच्छी सेलिंग दिखाई देगी, और इसमें अगर अच्छी सेलिंग के लिए हम जा सकते हैं। बंधन बैंक के जिस हिसाब से मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता रहा हूँ कि एक 325 के लिए बहुत बड़ा सपोर्टिंग लेवल है, बहुत बड़ा हर्डल है, अगर इसके नीचे अगर बंधन बैंक सस्टेन करता है तो नीचे की तरफ जाएगा। और बंधन बैंक ने एक बार इसको क्रॉस करने की कोशिश की, मगर कल इसने उसके ऊपर ही अपना क्लोजिंग किया। मगर आज फिर बंधन बैंक ऊपर के लेवल जो 340 का लेवल है, 339 का लेवल है, उसके आसपास से ही इसमें आज अच्छी सेलिंग आई। अब बंधन बैंक के लिए हम 300 और 310 के लेवल जल्दी इसमें देखे जा सकते हैं। अगर इसी हिसाब से 310 को ब्रेक किया तो बंधन बैंक द्वारा से 280 का लेवल हमें दिखा सकता है। अब इसमें ऑप्शन चेन की बात करते हैं, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से कल क्या मार्केट रहेगा और कल के हिसाब से बंधन बैंक निफ्टी क्या रहेगा। जिस हिसाब से हम स्टॉक की बिहेव की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से कल बैंक निफ्टी एक रेंज में दिखाई दे रहा है और इसमें रेंज में वर्क कर सकता है। आई थिंक बुधवार गुरुवार के लिए एक गुरुवार की एक्सपायरी तक ये बैंक निफ्टी एक रेंज में एक मूवमेंट कर सकता है। अगर इसके बाद अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसमें एक बाइंग की तरफ जाएंगे, वरना हम ये इसमें एक शॉर्ट पोजीशन ही क्रिएट करेंगे। अब ऑप्शन चेन के हिसाब से बात करते हैं, इस एक्सपायरी की बात करें ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो बैंक निफ्टी का क्या लेवल बनते हैं, तो देखें कि 39,500 एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसको ब्रेक कर पाना एक बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही मुश्किल है। जो बैंक निफ्टी आज के लिए क्लोज हुआ 39,500 के ऊपर ही क्लोज हुआ, आई थिंक इस लेवल को ये सपोर्ट कर रहा है। तो कल के लिए अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम नीचे के लेवल इसमें देखे जा सकते हैं। आज के अगर ऊपर के लेवल देखें बैंक निफ्टी के, तो 39,800 और 39,000 के ऊपर एक अच्छी कॉल राइटिंग आई है। इन द सेंस जो मार्केट में जो सेलर हैं उनको अब ये लग रहा है कि अब इस पोजिशन से ब्रेकआउट आना चाहिए। आई थिंक 39,500 के ऊपर एक इसमें कॉल राइटिंग अच्छी हुई है। आई थिंक कल के लिए बैंक निफ्टी का 39,500 एक ब्रेकआउट लेवल दिख रहा है। आई थिंक इसके नीचे बैंक निफ्टी एक सेल के लिए जा सकता है और नीचे के लिए 39,100 के इसमें लेवल दिखाई दे सकते हैं। आई थिंक कल के लिए हम एक वेट करेंगे और 39,500 को ब्रेकआउट करने का इंतजार करेंगे, उसके बाद इसमें एक सेलिंग की पोजिशन क्रिएट करेंगे। अब देखते हैं 28 इस मंथ के लिए बैंक निफ्टी के क्या लेवल दिखाई दे रहे हैं। इस मंथ के अगर बैंक निफ्टी के लेवल देखें तो 39,500 जो बहुत बड़ा बैंक निफ्टी का सपोर्ट था आज बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी कॉल राइटिंग बैंक निफ्टी के 39,500 के लेवल पर आज हुई है। आई थिंक बैंक निफ्टी एक सेल में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है और आई थिंक ये बैंक निफ्टी 39,500 के लेवल को कल ब्रेक करता हुआ इसमें चार्ट में दिखाई दे रहा है। आई थिंक ये 39,000 के लेवल द्वारा से नीचे की तरफ दिखा सकता है। कल हम वेट करेंगे, अगर 39,500 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो हम ऊपर के लिए पोजीशन बनाएंगे और अपर लेवल से इसमें एक सेलिंग के लिए ही पोजीशन बनाएंगे, ना कि बाइंग के लिए। ठीक है, 39,500 को ब्रेक करते ही हम इसमें अच्छा सेलिंग के लिए पोजीशन बनाएंगे और नीचे 39,000 के लेवल हमें इसमें जल्दी देखे जा सकते हैं। आई थिंक एक रेंज में अगर बैंक निफ्टी रहेगा तो 39,500 और 40,000 की रेंज में रह सकता है इस गुरुवार तक, उसके बाद इसमें 39,500 के लेवल ब्रेकआउट करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो लेवल है अपना बैंक निफ्टी का वो कॉल राइटिंग की तरफ ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। आई थिंक पुट में से लोग अपना अनवाइंडिंग कर रहे हैं और नीचे की तरफ इसमें जा रहे हैं। आई थिंक नीचे के लेवल अब बैंक निफ्टी में जल्दी देखे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।